हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था 2-in-1 सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे थे RBT रेलवे ब्रिज एंड टनल के बारे में, जिसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ब्रिज के इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था, जो कि हमारा 2 चैप्टर वहाँ पे कवर हो गया था। क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक आपका छूट गया था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आज के चलते हैं 2-in-1 जो सीरीज है उसमें, और बात करते हैं कि जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। पर प्रीवियस लेक्चर के जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, 2 टॉपिक्स, उनको कवर करते हैं, फिर हम आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले, अगर आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, ठीक है। तो जो हमारा 2 टॉपिक वहाँ पे रह गया था, ठीक है, एक रह गया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ IRC एंड IRS, ये क्या होता है, इनके बारे में हमको जानना था, ठीक है। वैसे आता नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन सिलेबस में दिया गया है, तो हमने सोचा आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाय चांस की बात होती है कि कभी एग्जाम में आ गया, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो IRC आप जानते हैं क्या होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेलवे ब्रिज एंड टनल, रेलवे पढ़ रहे हैं उसमें ब्रिज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रिज मतलब हमारा हाईवे का पार्ट आ जाता है, तो उसमें क्या हम उपयोग करेंगे, इंडियन रोड कांग्रेस, ये हमारा IRC हो जाता है। IRS इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन, क्या इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशंस। अब इन दोनों की बात अगर करते हैं, तो इंडियन रोड कांग्रेस जो है, इंडियन रोड कांग्रेस में क्या दिया गया है, ये एक बुक है, ठीक है। क्या ये एक बुक है, जिस बुक में क्या दिया गया कि किस तरह से हमारे रोड को, कोई हम हाईवे निर्माण कर रहे हैं, उस हाईवे को निर्माण करते टाइम किन किन बातों का ध्यान हमको रखना है, किस तरह का हाईवे कैसे हम निर्माण करेंगे, उसके बारे में किस में दिया गया, इंडियन रोड कांग्रेस में, ठीक है। ये एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक होती है, इसमें कई कोर्स बने हुए हैं, कोर्स में अलग अलग स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम किसी भी हाईवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। और जो इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है, इसमें रेलवे के बारे में स्पेसिफिकेशंस दिया रखा है, ठीक है। इंडिया में जो रेलवे बनाए जाते हैं, जो रेल लाइंस बिछाए जाते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में कितने दिया गया, IRS से जो है, ये भी एक तरह की बुक है, इसमें इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशंस के बारे में दिया गया, किस किस तरह से हमको रेल का निर्माण करना, जो रेल लाइन हम बिछा रहे हैं वो किस तरह से बिछाना है, कितना कर्व देना है, कितना स्पीड होनी चाहिए, कितनी, ये किस में दिया गया है, ये IRS में दिया गया, ये दोनों का काम होता है, ठीक है। तो यही इंट्रोडक्शन के बारे में जानना था कि IRC और IRS क्या होता है, ठीक है। जो मेनली होता है, ये दोनों बुक होते हैं जिनमें, इनमें IRC में हाईवे रोड के बारे में, ब्रिज के बारे में क्या स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, और IRS में रेलवे के बारे में स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करके हम रेलवे का निर्माण करते हैं, रेलवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाईवे रेलवे जो भी बनाना हमको उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, IRS और IRC के बारे में आपको समझ में आएगा। और जो सेकेंड टॉपिक एक छूटा था, ठीक है, ROB एंड RUB, ये क्या होता है, ROB का मतलब क्या होता है, रोड ओवर ब्रिज, RUB मतलब रोड अंडर ब्रिज, ठीक है। क्या ROB और RUB, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज, ये तो हमारे क्या होते हैं, जो टॉपिक छूटे थे इनको हमको पढ़ना था, ठीक है। तो
चलिए देख लेते हैं इनके बारे में क्या होता है, रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज। जैसे रोड ओवरब्रिज मतलब क्या होता है, ठीक है, रोड ओवरब्रिज मतलब क्या होता है कि हमारी कोई रेलवे लाइन जा रही है, रेलवे लाइन जा रही है, रेलवे लाइन के ऊपर से हमारा क्या हाईवे अगर बना हुआ है, मतलब कि ब्रिज बना हुआ है, तो वो हमारा कोई जैसे क्या है, जैसे मान लेते हैं ये एक हाईवे जा रही थी, ठीक है, और यहाँ से ये रेलवे लाइन गई हुई है। अब इसके ऊपर क्या करना है हमको, ब्रिज बनाना है। इसके ऊपर क्या करना है हमको, ब्रिज बनाना है। जब इसके ऊपर से हम ब्रिज बनाएंगे ना, सॉरी, इसको हम डॉटेड दिखाएंगे, ये हमारा एक लाइन होगी, ठीक है। क्या सॉरी, क्या कहा जा रहा है कि ये जो रोड बना है और ये जो हमारा क्या है, ये रेलवे है। अगर जो हमारी रेलवे लाइन पास हो रही है वो ब्रिज के नीचे से पास हो रही है, अगर ब्रिज के नीचे से हमारी रेलवे लाइन पास हो रही है तो वो हमारा क्या, रोड ओवर ब्रिज कहलाता है। और यदि क्या रेलवे लाइन ऊपर जा रही है और जो ब्रिज हमारा है, जो हमारा रोड है, ब्रिज ना बोल करके रोड बोल सकते हैं, जो हाईवे बोल सकते हैं, हाईवे होता है, वो हाईवे नीचे से जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना कि एक टनल नुमा बना रहता है, टनल उसमें से हमारी क्या गाड़ियां जाती है और ऊपर हमारा क्या बना होता है, ऊपर बना होता हमारा वो रेलवे लाइन बनी होती है, ऊपर से हमारी ट्रेन जाती है और नीचे हमारा हाईवे का यातायात जो होता है वो बना रहता है, तो वो हमारा रोड अंडर ब्रिज कहलाता है। रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, आई होप कि आपको समझ आएगा। आपको फिगर बना के समझाना, ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में आए, पिछली बार ये एग्जाम में आया था, ठीक है, इसलिए हमने सोचा क्योंकि पिछली बार जब हम पढ़े थे तो वहाँ पे इसके बारे में बहुत कम लोगों ने बताया था, ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इसके बारे में लिखा नहीं था, जिनको पता नहीं था। ऐसे नाम से तो पता चल रहा है रोड ओवर ब्रिज, ठीक है, ऊपर से रोड जा रहा है, लेकिन किसके ऊपर से रोड जा रहा है ये नहीं पता था लोगों को, ठीक है। रोड अंडर ब्रिज, किसके नीचे से ब्रिज जा रहा है ये लोगों को नहीं पता था, नदी के नीचे से जा रहा है या फिर नदी के ऊपर से जा रहा है, रेलवे के ऊपर से जा रहा है, कैसे जा रहा है ये लोगों को बहुत कम पता था। तो हमने सोचा ये आपको अच्छे से बताया जाए ताकि आपकी अगर एग्जाम में आ जाता तो आप अच्छे से इसको लिख सकें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रोड ओवर ब्रिज हो गया, रोड अंडर ब्रिज हो गया। रोड ओवर ब्रिज मतलब कि रेलवे लाइन के ऊपर से अगर ब्रिज बना हुआ है तो रोड ओवर ब्रिज हो जाएगा, और अगर रेलवे लाइन के नीचे हमारा यातायात मतलब कि जो जो रेलवे के नीचे से अगर हाईवे बना हुआ है, रेलवे के नीचे से अगर क्या कहते हैं कि रोड बना हुआ है, तो वो हमारा क्या कहता है, रेलवे लाइन मतलब बेसिकली रेलवे के मतलब रेलवे लाइन की बात करें तो वो हमारा क्या, रोड अंडर ब्रिज कहलाता है। ये दो टॉपिक्स थे, आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसका फिगर अगर हो सकेगा तो हम कम्युनिटी में डाल देंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके आयुष सर ने एक जल्दी पोस्ट किया है कम्युनिटी में, आप जाके कम्युनिटी जरूर चेक कीजिए कि कम्युनिटी में क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्योंकि आपको मिल जाती हैं, तो उसको जरूर चेक किया कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसका फिगर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको यही देखने को मिलता है, रोड ओवर ब्रिज, ठीक है, ज़्यादातर रोड ओवर ब्रिज देखने को मिलता है, रोड अंडर ब्रिज मिलेगा, ये भी मिलेगा, इंडिया में कई जगह बना हुआ है, ठीक है, कई जगह बना हुआ है, लेकिन जैसे शहरों में कम ही देखने को मिलता है, जैसे हमारे यहाँ तो नहीं है, जहाँ पे हमें यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे रोड ओवर ब्रिज ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये रहा आपका जो प्रीवियस चैप्टर था क्लासिफिकेशन में, ये दो टॉपिक छूटे थे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है, हमने क्या किया, पढ़ लिया कि ब्रिज क्या होता है, ब्रिज कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अब ब्रिज को हमको जब बनाना है, अब क्या करेंगे, ब्रिज हमने पढ़ लिया कौन कौन से होते हैं, अब हमको ब्रिज को बनाना भी पड़ेगा। जब ब्रिज को हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, हमने आपको बताया था सबसे पहले सब स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर किसका निर्माण करते हैं, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सब स्ट्रक्चर में क्या हमने पढ़ा था, फाउंडेशन, पियर, एबटमेंट, ठीक,
इन सब के बारे में क्या पढ़ा था, सब स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले बिना पियर तो अपार्टमेंट, पियर अपार्टमेंट तो बनाएंगे नहीं। कोई भी घर हम बनाते हैं सबसे पहले क्या बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की मान लेते हैं तैयारी करनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, उसका सिलेबस जो उसका न्यू होता है, उसका सिलेबस होता है उसको चेक करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या। उसके बाद उसकी न्यू की धारणा करते हैं कि हाँ हमको सबसे पहले ये चीज़ पढ़ना है, फिर ये चीज़ पढ़ना है, फिर ये चीज़ पढ़ना, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। तो सेम उसी तरह सबसे पहले क्या फाउंडेशन आते हैं, पहले पियर बढ़ा देंगे फिर फाउंडेशन बनाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा तो होगा नहीं कहीं पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं, फिर पियर बनाते हैं, फिर मतलब अपार्टमेंट, इसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर, फिर एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है वो आता है ब्रिज फाउंडेशन। ठीक है, पुल न्यू नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ब्रिज फाउंडेशन। फाउंडेशन तो आपको कई बार, एक दो बार नहीं, तीन चार पाँच बार लगभग कई बार पढ़ाया जा चुका है फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन नहीं चेंज होगा, फाउंडेशन वही रहेंगी, बस जो जब हमारा जगह चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो सुपर स्ट्रक्चर उसका डिजाइन चेंज हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो क्या होता है उसी हिसाब से फाउंडेशन हमारा चेंज होता है। तो बस बाकी फाउंडेशन हमारा वही होता है कि सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, कैसन फाउंडेशन। ठीक, फाउंडेशन हमारे सारे वही होते हैं। ठीक, बस अलग अलग जगह पर अलग अलग फाउंडेशन यूज किया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताने की जरूरत है फाउंडेशन में। ठीक, इसलिए ये चैप्टर हम थोड़ा सा तेज पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। ठीक, आपको फाउंडेशन के बारे में सारी जानकारी पता है हमने। अगर फाउंडेशन आपको पढ़ना है अच्छे से, तो फाउंडेशन आप उठा लीजिए थर्ड सेमेस्टर की, वहाँ से पढ़ डालिए लेक्चर, या फिर आपको बताया गया कि सॉइल मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर बताया गया आपको फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, तो आप कोई सा प्रीवियस लेक्चर उठा कर वहाँ से पढ़ सकते हैं फाउंडेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर है। ठीक, अगर ब्रिज पार्ट बी के अकॉर्डिंग देखें, ब्रिज के अकॉर्डिंग देखें, तो क्या हो जाएगा वो हमारा, क्या हो जाएगा चैप्टर थ्री हो जाएगा। एक मिनट, अगर पार्ट बी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है कि यह आपका थर्ड चैप्टर आता है, लेकिन अगर टोटली हम देखें कि किसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, तो ये आपका तो लगभग 12वां 13वां चैप्टर आ जाता है, 13वां चैप्टर शायद है। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर है, हम चैप्टर संख्या नहीं डाल रहे, ठीक है, नंबर नहीं डाल रहे, बाकी नाम डाल दे रहे, क्या है ब्रिज फाउंडेशन, ब्रिज फाउंडेशन, पुल न्यू जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, पुल न्यू, अब न्यू की बात करते हैं। फाउंडेशन क्या होता है कि फाउंडेशन क्या होता है कि, अब यहाँ पे क्या हम ब्रिज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर जब हम हाई जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे ब्रिज पढ़ रहे हैं तो ब्रिज की बात करेंगे, तो कि ब्रिज के भार को, मतलब कि ब्रिज के भार को और मृदा पर, सब सॉइल पर या फिर सॉइल पर स्थानांतरित जिसके द्वारा किया जाता है वो हमारा क्या फाउंडेशन कहलाता है। मतलब कि ब्रिज के लोड को मृदा पर स्थानांतरित करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसको क्या फाउंडेशन बोल देते हैं। तो फाउंडेशन जो होते हैं, फाउंडेशन जो होता है कि क्या होता है कि फाउंडेशन को बनाते टाइम हम तीन बातों का ध्यान देंगे, जब यहाँ पे क्या हम ब्रिज के लिए फाउंडेशन बनाए, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहली बात क्या ध्यान देंगे कि ऐसे स्थानों पर फाउंडेशन बनाएंगे, ऐसे स्थानों पर फाउंडेशन बनाएंगे जहाँ पे ये हो कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम वहाँ पे ना उपलब्ध हो, और फिर बात भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फाउंडेशन बनाने की वजह से। ठीक है, सेकंड बात क्या ध्यान देंगे कि सॉइल का वहाँ पे सेटलमेंट ना हो, सेकंड बात का ध्यान देंगे। थर्ड बात का क्या ध्यान देंगे कि जो हमारे किसी भी प्रकार के वहाँ पे फेल्योर देखने को नहीं मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का फेल्योर स्टेबिलिटी मतलब नहीं देखने को मिलना चाहिए, और जो वो सॉइल है जो हम फाउंडेशन बना रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए। इन तीन बातों का मेजरली ध्यान देते हैं जब हम ब्रिज के लिए किसी फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट्स इसके उद्देश्य देखते हैं, ठीक है, उद्देश्य क्या हो जाएंगे फाउंडेशन के, उद्देश्य क्या हो जाएंगे ये तो कई बार आपको बताया जा चुका है। ठीक है, फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा कि पुल के भार को क्या करता है, क्षेत्रफल पर फैलाता है। ठीक है, पुल के भार को अधिक क्षेत्रफल पर फैलाता है।
पुल के भार को अधिक क्षेत्रफल पर फैलाना, ये पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा, पुल के भार को मृदा पर स्थानांतरित करना, क्या स्थानांतरित करना। अगर इसमें थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि पुल के अंत्यधारों व प्रस्तंभों को नीचे समतल आधार प्रदान करना, क्या पुल के प्रस्तंभ मतलब पियर प्रस्तंभ और अंत्यधारों एबटमेंट को समतल आधार प्रदान करना, समतल आधार प्रदान करना। और फोर्थ पॉइंट अगर की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, पुल को नीचे धंसने से रोकना, फिर इसी में आ जाएगा हमारा पुल संरचना का को स्थिरता देना, ठीक है, पुल को धंसने से रोकना और क्या स्थिरता प्रदान करना। फिर इसी में सिक्स पॉइंट क्या आ जाता है, जो हमारे पियर हैं एंड एबटमेंट हैं को पलटने से रोकने के लिए, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स होगा किसके, ब्रिज फाउंडेशन के। अगर हम कहीं फाउंडेशन बनाते हैं ब्रिज के लिए तो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ये उसके उद्देश्य हो गए बेसिकली, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका नोट्स कर सकते हैं और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा तो थम्सअप करके हमको बताइए, ठीक है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसकी कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की बात करते हैं। बेयरिंग कैपेसिटी हमने वो भी पढ़ चुका है, बेयरिंग कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है, दूसरी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास 40 किलो का लोड उठाने की क्षमता है, तो आपको अगर 40 किलो का कोई सामान दे दिया जाए तो आप उसको आराम से उसको उठा लेंगे, ठीक है, उसको उठा लेंगे। लेकिन जैसे ही 40 किलो से ज़्यादा हम लोड करेंगे, जैसे ही 41 किलो का लोड हम रखेंगे ना, आप लेके गिर जाएंगे, ठीक है, आप लेके क्या करेंगे, गिर जाएंगे। जैसे ही हमने 41 किलो लोड रखा तो आपके अल्टीमेट एकदम अंत तक आखिरी जो आपकी जो क्या बोल सकते हैं हिंदी में चरम धारण क्षमता जो होती है, चरम धारण क्षमता जो लास्ट आपकी कैपेसिटी की आप इतना ही वियर कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो आप क्या करेंगे लेके गिर जाएंगे, तो वो क्या कहलाती है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहलाती है। और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी से कम, मतलब क्या होगी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी से कम, जैसे आपने 40 किलो आप 40 किलो का लोड उठा सकते हैं, ठीक है, आप 40 किलो का लोड उठा सकते हैं, लेकिन आपको 35 किलो का लोड दिया जा रहा है, 38 किलो का लोड दिया जा रहा है, 30 किलो का लोड दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे आसानी से उसको बियर कर सकते हैं, सॉरी आसानी इसको सहन कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है, जिसको सुरक्षित भार धारण क्षमता कहते हैं, ठीक है, सुरक्षित भार धारण क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों की बात हो गई। तो हमको यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी अभी आगे चलेंगे तो एक चैप्टर इसका है पूरा, ठीक है, इसमें भी चैप्टर, जैसे आपके सॉइल मैकेनिक्स में एक चैप्टर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी चैप्टर, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रिज फाउंडेशन, ब्रिज जो फाउंडेशन का यूज करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है, उसकी बात ना करके हम फाउंडेशन की टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी उसी में देख लेंगे कौन कौन सा हम फाउंडेशन यूज करते हैं ब्रिज में भी, ठीक है।
आप हेडिंग बना लीजिए क्या, टाइप ऑफ फाउंडेशन, टाइप ऑफ फाउंडेशन। क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन क्या होती है, जिसकी हाइट या तो कम होगी या तो बराबर होगी विड्थ के, ठीक है, और डी फाउंडेशन, जिसकी हाइट हमेशा ग्रेटर देन बी होगी। अब डी फाउंडेशन में भी हमारे कई टाइप्स आ जाते हैं और सेलो फाउंडेशन में भी कई टाइप्स आ जाते हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना वो कुछ इस तरह से बना लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इधर लिखते हैं सेलो फाउंडेशन, इधर लिखते हैं डी फाउंडेशन। अब सेलो फाउंडेशन क्या हो गया और डीप क्या हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे कई टाइप्स के आते हैं, स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन, राफ्ट या मैट फाउंडेशन, स्टेप्ड को हम बेंच्ड फुटिंग फाउंडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारा स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन भी आता है, और इसी में क्या आ जाता है, और ग्रिलेज फाउंडेशन भी आ जाता है, ठीक। इस तरह से कई फाउंडेशन हमारे किस में आते हैं, सैरो फाउंडेशन। और अगर डे फाउंडेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा पहला क्या आता है, पाइल फाउंडेशन। अब पाइल फाउंडेशन भी कई प्रकार के होते हैं, बियरिंग पाइल भी होते हैं, ठीक है, और कई प्रकार के होते हैं। दूसरा कैसन फाउंडेशन हो जाता है, कैसन फाउंडेशन, और इसी में क्या आ जाता है हमारा, पाइल हो गया, कैसन हो गया, और कुपक बेल फाउंडेशन, बेल फाउंडेशन, ठीक है। ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, मेनली अगर देखें तो तीन प्रकार के वो होते हैं, बाकी इसमें और भी प्रकार के हमारे आ जाते हैं, ठीक। अब इसमें से देखते हैं कि हमारा जो होता कि ब्रिज, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए हम पढ़े तो ब्रिज में कौन कौन सा हम यूज करते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या आ जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, एक मिनट, अब बात करते हैं कि ब्रिज में कौन कौन से फाउंडेशन हमारे लगते हैं। तो उसमें राफ्ट फाउंडेशन लगता है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाया जाता है, पाइल, कैसन, वेल, ठीक है। डीप के कोई भी फाउंडेशन बना सकते हैं जब भी ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। और जो हमारे सैलो फाउंडेशन है, सैलो फाउंडेशन में हम जनरली जो मैट फाउंडेशन या फिर स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का यूज करते हैं, किसमें, जब भी हम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कहीं पे करते हैं उसके लिए अगर हमको न्यू की जरूरत पड़ती है, फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन आप जानते हैं क्या होता है, कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन मतलब सैलो फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन मतलब कि हाइट जो होगी वो या तो बराबर होगी या तो छोटी होगी किससे, विड्थ, चौड़ाई से उसकी, ठीक है। तो ये हमारा होता है, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, नींव की चौड़ाई ज्ञात करनी है, किसके लिए, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के लिए, जिसको हम ओपन फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं, इसको क्या ओपन फाउंडेशन लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर इसकी हमको क्या करनी है, ब्रिथ बी ज्ञात करनी है, तो इसको हम W बाई पी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये W क्या है, P क्या है, B तो समझ में आ रहा है कि ब्रिथ W क्या है, P क्या है। तो W जो हमारा आ जाता है यहाँ पे, W आ जाता है कि प्रति मीटर लंबाई में, प्रति मीटर लंबाई में कितना लोड आ रहा है, ठीक है, प्रति मीटर लंबाई पर आने वाला भार। और ये पी क्या है, ये सेफ पेयरिंग कैपेसिटी है, क्या ये हमारी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। ये दोनों टन में होता, ठीक, ये भी टन में होता, ये भी टन में हमारा लिया जाता है। ये क्या होगी हमारे स्प्लिट फिटिंग फाउंडेशन का, अगर ब्रिथ हमको ज्ञात करें, जब ब्रिथ हमको ज्ञात होगी तो हाइट हम उस हिसाब से मान लेंगे, या फिर हमारे पास फार्मूला होता है इसको तो वहाँ से भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और बी आप जानते हैं कि बी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारी स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन हो गए। अब अगर हम बात करते हैं राफ्ट फाउंडेशन, जिसको हम मैट फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, वो क्या होते हैं, अगर इसको देखते हैं कि ये बनता कैसे। अब एक एक करके बात करते हैं, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन देखते हैं बनता कैसे, तो वो कुछ इस तरह से बनता है, ऊपर हमारा जो भी बनाना है, ठीक है। ये ब्रिथ हो जाती है, ये कंक्रीटिंग की लेयर होती है यहाँ पे, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ठीक। बाकी ये हम कुछ भी रख सकते हैं ऊपर, आप देख रहे हैं खसका छोड़ा गया, इसीलिए इसको क्या स्प्रेड फिटिंग फाउंडेशन बोलते थे, ठीक है। ये क्या हो गया, ओपन या फिर स्प्रेड फिटिंग फाउंडेशन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राफ्ट फाउंडेशन की, ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन की बात करते हैं। तो वो राफ्ट फाउंडेशन कैसे होता है, मैट फाउंडेशन ने आपको बताया था कि पूरा एरिया, जितना एरिया रहेगा पहले एरिया को खोद लेंगे, जितना भी एरिया रहेगा उसको हम खोद लेंगे, खोदने के बाद एक लेयर बिछा देंगे, किसकी लेयर बिछा देंगे, कंक्रीट की लेयर बिछा देंगे। कंक्रीट की लेयर बिछाने के बाद जितनी जितनी दूरी पर हमको फाउंडेशन रहा उतनी उतनी दूरी पर हम फाउंडेशन को सीधे ऐसे पिलर की तरह खड़ा करते चले जाएंगे। जैसे क्या क्या, ये अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये क्या ऐसे हमने क्या किया, उस पर कंक्रीटिंग करती है। अब क्या करेंगे हम, जहाँ भी हमको बनाना है फाउंडेशन वहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे फाउंडेशन को बना देंगे। ये हमारा क्या हो गया, राफ्ट फाउंडेशन हो गया, फिर मैट फाउंडेशन। अब अगर इसी को हम टॉप व्यू से देखते हैं तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है, अगर इसी को टॉप से देखते हैं तो वो किस तरह से दिखेगा, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, हम फाउंडेशन बना देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है हमारा क्या, राफ्ट फाउंडेशन, अगर हम टॉप से देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या फाउंडेशन बने हुए हैं, ये इतना जगह हमारा छूट जाता है, ठीक। तो ये क्या होगा हमारा, राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, पाइल फाउंडेशन की बात करते हैं। पाइल फाउंडेशन आप जानते हैं किस तरह से बनता है, ठीक है। पाइल फाउंडेशन जब कहीं बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी जब कम होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, ताकि नीचे ये बहुत लंबी होती है, क्योंकि इसकी हाइट जो होती है वो बहुत अधिक होती है। हाइट अधिक होने के कारण क्या होता है कि ये वहाँ तक चला जाता है जहाँ तक हार्ड स्ट्रेटा जब तक नहीं, तब तक इसको अंदर नीचे तक लेके जाते रहते हैं, ठीक है। जब हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है, कहीं पर कठोर जमीन हमको मिल जाती है, तो वहीं पर क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या, पाइल फाउंडेशन हो जाता है, ठीक है। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर भौम जल स्तर तेजी से घटता है, बढ़ता रहता है, वहाँ पे क्या करते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे संरचना बहुत अधिक भारी और अधिक लोड हमको बियर करना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं इसका क्या करना है, जहाँ पे यातायात अधिक होगी, हम ब्रिज की बात करें तो हम लोड तो ब्रिज के मतलब कि हम
वाहन जो गाड़ी चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे लोड की बात करेंगे, जहाँ पे अधिक यातायात आएगी एक टाइम में अधिक यातायात आने की संभावना रहती है, मतलब कि लोड उस पर अधिक आएगा, तो वहाँ पे क्या करते हैं पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं ऐसे ऐसे स्थान पर जहाँ पर नींव की खाई से पंप द्वारा पानी को बाहर निकालने में अधिक खर्चा आता है। जैसे क्या हुआ, कई खाई बनी हुई है और उस खाई में से पानी हमको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा अगर वहाँ से पानी को ड्रेन आउट करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम पाइल फाउंडेशन को बना देते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम को नहीं होती, आसानी से हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ हमारे क्या होते हैं कि आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या करते हैं हम पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब वेल फाउंडेशन, जिसको हम कूपक नींव बोलते थे, क्या पाइल फाउंडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, खूंटा नींव। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, वेल फाउंडेशन। और वेल फाउंडेशन क्या होता है, अगर हम वेल फाउंडेशन, वेल मतलब कूपक नहीं हो, एक कूपक कुएं की तरह होता है। ठीक है, इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ इस तरह से बना होता है, किस तरह से बना होता है ये, कुछ इस तरह से बना होता है। इस तरह से ये बना होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, ये कुएं की तरह बना, क्या कुएं की तरह ये एक बना हुआ। ठीक है, अब ऊपर सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी स्लैब बना होता है, ये सीमेंट कंक्रीट की स्लैब यहां डाल दी जाती है ऊपर, फिर ये सीसी होता है, ये आरसीसी बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं एक कुएं की तरह लग रहा है ना, यहाँ पे कंक्रीटिंग की जाती है, यहाँ पे भी ब्रिक मैसनरी की जाती है। ठीक है, ये जगह यहाँ पे सैंड फिलिंग की जाती है, यहाँ पे क्या सैंड फिलिंग की जाती है, ये ब्रिक मैसनरी होती है, ये हमारी क्या ब्रिक मैसनरी होती है, यहाँ पे क्या कंक्रीटिंग रहती है। ठीक है, ये सीसी होगी, ये आरसीसी होगी, ये हमारे क्या वेल फाउंडेशन होता है। वेल फाउंडेशन का निर्माण हम कब करते हैं, अब इसके ऊपर आप पीआर एबटमेंट कुछ भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब जब क्या होता है कूपक की परिधि, इसके क्या करते हैं जब इसको बनाते हैं, क्या क्या ध्यान देना चाहिए इसकी, यहाँ पे कब इसको बनाएंगे, जब हमको कहीं पानी में कंस्ट्रक्शन करना हुआ, जैसे क्या हुआ नदी में क्या करते हैं, जब जनरली अगर हम कहीं नदी में बना रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, नदी को पार करा रहे हैं, बड़ी नदी है, तो हमको क्या बीच में फाउंडेशन बनाने की जरूरत पड़ी, तो आप क्या हम कूपक नींव बनाते हैं। ठीक है, कूपक नींव बनाते हैं, कभी कभी ये नींव क्या होती है ना, ये नीचे से खुली रहती है, ऊपर से भी खुली रहती है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं नीचे ऐसे डाल देते हैं पानी में। ठीक है, और जो जहाँ पे जमीन मिलती है वहीं पर रखते थे, लेकिन जब क्या होती गहराई बहुत अधिक होती तो इसको बंद, जो बंद वेल फाउंडेशन है, मतलब कि क्लोज्ड वेल फाउंडेशन, इसको तब क्लोज्ड वेल फाउंडेशन बनाते हैं। और ये क्या करती तैरती रहती है लेकिन कहीं जाती नहीं है, ये नदी में तैरती रहती है, आपको पता नहीं था ना, लेकिन पता होना चाहिए, ये नदी में तैरती रहती है। ठीक है, तो एक हमारा अब इसको बनाते इसको बनाते समय क्या क्या हम सावधानियां बरतते हैं उसको देखते हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाती है, कूपक की जो परिधि होती है चिनाई समान, ठीक है, समान रूप से उठानी चाहिए, ये जो इसकी जो परिधि है, इसकी लंबाई चौड़ाई, ये समान रूप से उठानी चाहिए। ठीक, समान रूप से उठानी चाहिए, कोई छोटी बड़ी या फिर कम चौड़ी, कम मतलब कि अधिक चौड़ी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, जो इसमें निकाली गई मिट्टी पर्याप्त दूरी पर, जो अगर मिट्टी निकालते जहाँ पर इसको रखना है, ठीक है, जहाँ पर इसको रखना होता है वहाँ पर जब मिट्टी निकालते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं मिट्टी को बहुत दूर रखते हैं, नहीं तो क्या होता है कि इसी में मिट्टी गिरता रहता है, जो मिट्टी गिरता रहेगा तो हमारा कोई फायदा थोड़ी रह जाएगा, फिर से हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो ये फाउंडेशन का निर्माण कर रहे हैं ना, बाढ़ आने से पहले ही कर रहे थे, बाढ़ अगर आ गई तो इसमें पानी भर जाएगा, तो हम निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठीक, और एक बार में क्या करते हैं कर्तन सिरे के नीचे से 3 मीटर की गहराई खुदाई नहीं करनी चाहिए। ठीक, ये जो कर्तन सिरा है, क्या कर्तन सिरा, अब बताते हैं आपको कर्तन सिरा क्या है, ये देख रहे हैं आप कटिंग एज बनाया गया, क्या कटिंग एज, इसको हम क्या कटिंग एज बोल देते हैं, ये तो हमारे क्या कटिंग एज बनाई गई, इससे 3 मीटर ज़्यादा, मतलब कि मैक्सिमम 3 मीटर तक गहराई करनी चाहिए, इससे ज़्यादा गहराई क्या करते हैं हम नहीं करते हैं। ठीक है, कटिंग एज से
सॉरी, इसमें अगर देखते हैं तो इसको स्टेनिंग बोलते हैं, क्या स्टेनिंग, स्टेनिंग बोल देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, सैंड फिलिंग करते हैं, अभी हमने आपको बताया सैंड फिलिंग करते हैं। ये हमारा कंक्रीटिंग होता है, कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह बने होते हैं, ये कटिंग एज हो जाता है हमारा, ठीक है। इसको कूप भित्ति बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो आरसीसी बना रहे हैं ना, ये हमारा इसको बोल सकते हैं कि कैप होता है एक तरह से, ठीक है, वेल कैप होता है। जैसे क्या कहते हैं हम, जब कोई भी क्या कहते हैं पाइल फाउंडेशन बनाते हैं तो उसके ऊपर कैप लगाते हैं, पाइल कैप लगाते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी क्या वेल कैप लगा रहे हैं, ठीक है, वेल कैप लगाते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा वेल फाउंडेशन, आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कैसन फाउंडेशन की। कैसन फाउंडेशन हमारे दो तरह के होते हैं, ये एक बॉक्स, दो नहीं तीन तरह के होते हैं, ठीक, एक ओपन कैसन, बॉक्स कैसन और न्यूमेटिक कैसन, तीन तरह के कैसन हमारे होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि ये बार बार हर सब्जेक्ट में आपको हर ईयर में हर सेमेस्टर में देखने को लगभग मिल जाता है, ठीक। तो अगर हम कैसन की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या जाता है कैसन फाउंडेशन, कैसन फाउंडेशन, कैसन फाउंडेशन, ठीक है, कैसन फाउंडेशन नेक्स्ट हमारा जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसन न्यू ही बोलते हैं, कैसन न्यू बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन कैसन होता है, क्लोज कैसन, कैसन होता है। ओपन कैसन मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है ये ऊपर से खुला रहता है, नीचे से खुला रहता है, ठीक है, नीचे से जो होगा ये नीचे से खुला रहता है, ये नीचे से क्या होगा ऐसे खुला रहेगा। अगर हम बॉक्स कैसन यहाँ पे अब ऊपर क्या करते हैं पीयर अपार्टमेंट जो भी बनाना बनाते हैं, अगर इसको क्या करते हैं क्लोज बॉक्स कैसन जिसको बोल रहे हैं, तो क्या करते हैं हम बंद कर देते हैं, मतलब कि बॉक्स टाइप का ये होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि बॉक्स टाइप का आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये बॉक्स टाइप का आपको दिख रहा होगा, तो ये बॉक्स कैसन कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, न्यूमेटिक कैसन की, तो न्यूमेटिक कैसन क्या होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है नीचे से हमारा खुला रहता है, न्यूमेटिक कैसन नीचे से खुला रहता है, लेकिन इसमें एयर लॉक और मतलब कि और अलग तरह से भी अरेंजमेंट किया जाता है, तो ये हमारा कैसन होगा, ठीक है। ये रहा किसका, ये रहा ब्रिज फाउंडेशन के बारे में, ठीक है। ये किसकी बात हुई, ये बात हुई ब्रिज फाउंडेशन की, आई होप कि आपको ब्रिज फाउंडेशन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, तो जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर क्या जाता है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है पियर एबटमेंट एंड विंग वॉल। अब ये क्या होते हैं इनकी बात करते हैं, पियर एबटमेंट एंड विंग वॉल, थोड़ा सा इसके बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन इसमें और भी जानने की जरूरत है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि पियर कितने प्रकार के होते हैं, पियर को डिफाइन कीजिए, ठीक है, सबको विस्तृत वर्णन कीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। एबटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, विंग वॉल से क्वेश्चन आते हैं। विंग वॉल हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जैसे स्ट्रेट विंग वॉल हो गया हमारा, कर्व विंग वॉल हो गया, ठीक है, ऐसे कई चार प्रकार के लगभग विंग वॉल होते हैं, ठीक ठीक है। तो हम चलते चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा, क्योंकि ये 2-in-1 सीरीज है तो इसमें हमको दो चैप्टर कवर करना है। ये क्या बात हुई, ये बात हुई हमारी ब्रिज फाउंडेशन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पियर एबटमेंट एंड विंग वॉल, पक्ष भित्ति, क्या पक्ष भित्ति जिसको बोलते हैं विंग वॉल। बात करते हैं विंग वॉल क्या होता है, रिटर्निंग वॉल भी बात करेंगे, रिटर्निंग वॉल के बारे में भी आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ब्रिज की बात करते हैं, तो ब्रिज के मेनली जो होते हैं, ब्रिज मेनली दो प्रकार का होता है, मतलब कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक सब स्ट्रक्चर, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर के ये पार्ट हमारे हो गए पियर को, सॉरी एबटमेंट, विंग वॉल, रिटेनिंग वॉल भी इसी में आ सकता है, रिटेनिंग
वॉल। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है, इन सब के चारों के बारे में पढ़ना है। सुपर स्ट्रक्चर के बारे में हमको बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर में हमने जो देखा था डेक्स लैब क्या होता है ये सब देखना था, तो वो बात लगभग हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे आगे, अगर चैप्टर में आपके नेक्स्ट चैप्टर में जो होगा अगर कुछ इसके बारे में, आपके सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं किसी पियर एबटमेंट और विंग वॉल की। ठीक है, इन सब की बात हम यहाँ पे करते हैं। जो सबसे पहले चलिए बात करते हैं किसकी, पियर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, पियर की बात कर लेते हैं, जिसको हम प्रस्तंभ बोल देते हैं। ठीक है, पियर हिंदी में लिखते चलते हैं। ठीक है, प्रस्तंभ, पियर की अगर बात करते हैं तो जैसे बहुपाठी है, बहुपाठी मतलब कि जैसे एक से ज़्यादा स्पैन, स्पैन क्योंकि ज़्यादा उसका जो होता है स्पैन फिक्स होता है कि इतने लंबाई का स्पैन आता है। ठीक है, स्पैन की लेंथ फिक्स होती है कि इतने लंबाई की फिक्स स्पैन हमारी प्री कॉस्ट स्पैन आती है। ठीक है, वो साइट निर्माण बहुत कम ही करते हैं, प्री कॉस्ट स्पैन आती है, उसकी लेंथ फिक्स होती है कि इतने हमको बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है फिर बेंडिंग होने का डर रहता है, इसलिए हमको फिक्स रहता है कि हम इतने का ही बनाएंगे। तो जब हमको बहुपाठीय स्पैन मतलब बहुपाठीय कोई ब्रिज बनाना है, कई स्पैन मल्टी स्पैन वाली ब्रिज बनानी है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो किनारे के दो आलम्बों, किनारे के दो सपोर्ट्स को छोड़कर बीच में जो भी सपोर्ट्स लगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम पियर बोल देते हैं। उनको क्या बोल देते हैं, हम पियर बोल देते हैं। ये कोई ब्रिज है, यहाँ पे क्या किया, ये हमने लगा दिया, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एबटमेंट हो गए, एबटमेंट, ये भी क्या हो गए हमारे एबटमेंट हो गए। अब बीच में जितने भी सपोर्ट्स लगे रहेंगे इनको क्या हम बोल देंगे, इनको हम पियर प्रस्तंभ बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, प्रस्तंभ हो गए। अब प्रस्तंभ कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे पियर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो जनरली हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ ये होगी किसी डेफिनेशन अगर अच्छा ठीक लिख देते हैं, ठीक नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी पढ़ाते चले जाते हैं डेफिनेशन लिख में नहीं करते हैं, हम क्या करें बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं क्या होते हैं। ठीक है, बहुपाठीय, बहुपाठीय मल्टी स्पैन पुलों के मध्य में लगे आलंबों को प्रस्तंभ पियर कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन पियर मतलब कि खुला प्रस्तंभ, दूसरा सॉलिड पियर ठोस प्रस्तंभ। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी कई प्रकार हमारे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हमारे आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि ओपन फाउंडेशन मतलब कि ओपन पियर क्या होता है। ओपन पियर जो हमारा होता है कि जब पाटन संरचना जो हमारा डेक स्लैब बना जा रहा है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि मल्टी स्पैन के लिए क्या करते हैं हम, जो भी जैसे क्या हुआ एक से अधिक स्पैन अगर है, तो जैसे अगर हम एक क्या कर रहे हैं, हमको एक स्पैन अगर लगा रहे हैं तो एक स्पैन हमारे एक पियर होगा। ठीक है, सॉरी एक स्पैन अगर रख रहे हैं, ठीक है, एक स्पैन की जरूरत पड़े तो एक हमको पियर
और इसकी जरूरत हमको एवर्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दो एवर्टमेंट, एवर्टमेंट तो दो हमारे जरूर रहेंगे, ठीक है। एक पियर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या खुले प्रस्थम क्या होते हैं? जब पाटन संरचना एकल प्रस्थम पर ना टिकाकर अनेक स्वतंत्र प्रस्थम्भों पर जो एक पंक्ति में खड़े होते हैं टिकी होती है, ऐसे प्रस्थम खुले प्रस्थम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा नदियों में, नदियों में आपने क्या देखा होगा कि जैसे कोई लंबी नदी है तो वहां पे क्या देखा होगा आपने, कई ऐसे पियर बने रहते हैं। ये हमारे क्या खुले प्रस्थ, खुले पियर कहलाते हैं। खुले पियर मतलब क्या, ओपन पियर मतलब क्या हो गया कि यहाँ पानी के आने जाने की पूरी जगह रहती है, पानी को रोकने का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं रहता, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा ओपन पियर कहलाता है, ठीक है। अब ये हमारे कई प्रकार के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और क्या इसी में कॉलम पियर आ जाता है, पाइप पियर आ जाता है, ट्रस्टल पियर आ जाता है, ठीक है, एबटमेंट पियर आ जाता है, ठीक है। ये भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें कि ओपन पियर क्या होता है, तो ओपन पियर की डेफिनेशन ये हो सकती है कि जब पाटन संरचना एकल प्रस्तंभ पर ना टिकाकर अनेक स्वतंत्र प्रस्तंभों पर एक पंक्ति में खड़े किए जाते हैं, ठीक है, टिकी हो, ऐसे प्रस्तंभ को क्या ओपन प्रस्तंभ, सॉरी ओपन पियर, खुला प्रस्तंभ कहते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक हमारा सिलिंड्रिकल, अब पियर का हम चाहे स्क्वायर बनाए चाहे सिलेंड्रिकल बनाए, ठीक है, सिलेंड्रिकल पियर, ट्रेस्टल पियर, ट्रेस्टल पियर, और सिलेंड्रिकल पियर हो गया, ट्रेस्टल पियर हो गया, कॉलम पियर, कॉलम पियर। फिर अगर हम इसी में बात करते हैं क्या नेक्स्ट, पाइल पियर, एबटमेंट पियर, ठीक है। ये हमारे क्या ओपन पियर के डिफिनेशंस हो जाते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल पियर मीन्स क्या होता है, ठीक है, बेलनाकार प्रस्तंभ में क्या होता है कि दो खोखले सिलेंडरों की को उचित दूरी पर गाड़कर बनाया जाता है। जैसे क्या हुआ, अब बात कर रहे हैं ब्रिज की, बात कर रहे हैं ये ब्रिज हम बना रहे हैं, यहाँ पे दो हमने बना दिया क्या अबटमेंट बना दिया, अब यहाँ पे ये हमारे सिलिंड्रिकल बना दिए गए, ठीक है, ये हमारे क्या सिलिंड्रिकल बने हुए हैं। तो ये क्या हमारे सिलिंड्रिकल पियर कहलाएंगे, जब हमारे उसके जो ना जो क्या कह रहे हैं कि उसके साइज के बेसिस पे जब हम बता रहे हैं तो क्या होता है हमारे सिलिंड्रिकल पियर हो गया। अब इसके ऊपर क्या होता है हमारा बीम ये बना हुआ है, अब इसको कैसे यहाँ पे क्या करते हैं हम ब्रेसिंग के जो द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेसिंग लगा के क्या करते हैं इसको हम इससे सिर्फ ज्वाइन कर देते हैं, ब्रेसिंग कर देते हैं, ठीक है। अब आपको ब्रेसिंग और बैटन्स भी बताना पड़ेगा, ब्रेसिंग और बैटन्स क्या होते हैं? बैटन जब कोई दो मेंबर को ज्वाइंट करने के लिए कोई क्षैतिज मेंबर लगाया जाए तो इसको बैटन्स कहते हैं, ये हमारे बैटन्स हो जाते हैं। और इसी को अगर कोई इंक्लाइंड मेंबर द्वारा ज्वाइन करते हो ये हमारा ब्रेसिंग कहलाता है, ठीक है, ये हमारे ब्रेसिंग हुए। तो ब्रेसिंग के थ्रू क्या करते हैं इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या सिलिंड्रिकल पियर कहलाता है। अब ट्रिस्टल पियर क्या होता है, मंचिका पियर क्या होता है, मंचिका आप जानते होंगे मचान बनाया जाता था, ठीक है। पहले खेतों में क्या करते थे, खेतों की रखवाली करने के लिए लोग मचान बनाते थे, हमने आपको बताया था क्या इसका फोल्डिंग, ठीक है, इसका फोल्डिंग एक तरह से, तो ट्रिस्टल पियर या फिर इसका फोल्डिंग बात एक ही तरह से हो जाती है। क्या करते हैं यहाँ पे हम मचान बना देते हैं, पहले ये ऐसे रखा कि यहाँ पे एक मचान बना देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर ब्रेसिंग के क्या कहते हैं, यहाँ भी ब्रेसिंग, ऊपर भी ब्रेसिंग लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या ट्रिस्टल पियर कहलाता है, ठीक है। अगर इसी तरह बात करते हैं कॉलम पियर, कॉलम पियर क्या होता है, ठीक है, कॉलम पियर हमारे कई कॉलम्स के द्वारा क्या कहते हैं कई कॉलम लगे रहते हैं, ये हमारे कॉलम ऐसे मतलब सब एक ही होता है, नाम चेंज होता है, बस चीज़ें वही होती हैं, नाम चेंज कर दिया गया, बस बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे कॉलम पियर हो गया। अब फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसी तरह से पाइल हो गया, यहाँ पे ये पाइल जैसे क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने क्या किया पाइल लगा दिया, पाइल लगा दिया मतलब कि पाइल बहुत लंबी होगी, पाइल जो कि बहुत गहराई तक जाएगी, तो वो हमारा पाइल हमको जैसे क्या करना है वहाँ पे बाकी सब बनाना संभव नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं पाइल क्लियर करते हैं ना, पाइल को हम बहुत नीचे तक ले जा सकते हैं,
ठीक। तो जब हमको स्टेटर नहीं मिले, बहुत गहरी नदी है, बहुत गहराई तक ले जाना है, तो क्या करते हैं वहाँ पे, हम क्या करते हैं, पाइल पियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पाइल पियर का प्रयोग करते हैं। फिर ऐसे ही क्या हमारा एबटमेंट पियर भी हो जाता है क्या, ऐसे ही से हमारा एबटमेंट पियर कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमारे साइडों में एबटमेंट बनाया जाता है, वैसे ही हमारे बीच में भी एबटमेंट बना दिया जाएगा, तो हमारा एबटमेंट पियर कहलाएगा। ठीक है, पियर के स्थान पे क्या हम एबटमेंट बना देंगे, तो हमारा एबटमेंट पियर कहलाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या हमारे ओपन पियर हुए। अब अगर हम सॉलिड पियर की बात करते हैं, तो सॉलिड पियर भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। सॉलिड पियर का निर्माण, सॉलिड पियर क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉलिड पियर क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं, तो सॉलिड पियर जो होता है, ठोस प्रतिस्तंभ का निर्माण वहां करते हैं जहां पानी के तेज प्रवाह वाले स्थान हो, अथवा पानी में तैरते हुए पदार्थ व हिमखंड विद्यमान होते हैं। क्या कहा जा रहा है, जहां पे प्रवाह बहुत तेज होता है। ठीक है, बहुत तेज होने का मतलब अगर ये बनाएंगे तो ये टूट भी सकता है। ठीक है, तो वहां पे एकदम सॉलिड पियर बनाते हैं। सॉलिड पियर मतलब कि बाधा अवरोध उत्पन्न करते हैं पानी के मार्ग में, मतलब कि नदी के मार्ग में हम क्या करते हैं, बाधा एक तरह से अवरोध करते हैं सॉलिड पियर का निर्माण करके। अब सॉलिड पियर भी कई तरह से बनाए जाते हैं, सीमेंट कंक्रीट सॉलिड पियर, आरसीसी पियर और मैसनरी पियर। ठीक, नाम हम बता दे रहे हैं क्या क्या। सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट पियर, आरसीसी पियर और मैसनरी पियर। ये क्या होगा, हमारे सॉलिड पियर होगा। ठीक है, अब क्या आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं एबटमेंट की, बात करते हैं। ठीक है, तो एबटमेंट क्या होते हैं, अब एबटमेंट आयोग प्रस्ताव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इनके बारे में दो दो लाइन लिखना तो आप लिख लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फिगर बना देंगे। ठीक, थोड़ा सा बस सब में चेंज। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये ब्रेसिंग का प्रयोग जरूर किया जाएगा इन सबको जोड़ने के लिए। ब्रेसिंग का प्रयोग हर एक पियर में किया जाएगा, ब्रेसिंग का प्रयोग हर एक पियर में किया जाएगा, किसी में नीचे किया जाएगा, किसी में ऊपर किया जाएगा। ठीक, इस तरह से किया जाता है। तो ये क्या हो गया, पियर हो गया। अब हम बात करते हैं एबटमेंट की। तो एबटमेंट क्या होता है, ब्रिज के दोनों किनारों पर जो पियर बनाए जाते हैं उनको एबटमेंट कहते हैं, सीधा लिख सकते हैं। या फिर अगर डेफिनेशन देखना चाहे तो पुल के दोनों किनारे पर बनाए गए आलंबों को एबटमेंट या फिर अंतर्धार कहते हैं। पुलों के दोनों किनारों पर बनाए गए आलंबों को एबटमेंट कहते हैं। अब एबटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक एबटमेंट विदाउट विंग वॉल, दूसरा एबटमेंट विथ विंग वॉल। ठीक, ये दो प्रकार क्या हो गए, हमारे एबटमेंट होते हैं। एक पक्ष भित्ति रहित अंत्यधार, दूसरा पक्ष भित्ति सहित अंत्यधार। रहित और सहित, इन दोनों का अंतर हो रहा सीधे, बस और कोई अंतर नहीं हो रहा। ठीक, अब ये पक्ष भित्ति रहित अंत्यधार होते हैं। ठीक है, तो क्या जैसे ये हमारा एबटमेंट यहाँ बनाया जाता है, तो यहाँ ये हमारे क्या, ये दो हो गए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं हम ऐसे क्या करते हैं, ये बिंग वॉल बनाते हैं। ठीक, ये हमारी नदी बह रही थी, नदी की डायरेक्शन है ये। ठीक है, नदी ऐसे बह रही, तो ये क्या करते हैं हम यहाँ पे बिंग वॉल बना देते हैं। ठीक है, ये नदी जा रही, ये रोड, ये हमारा क्या, पुल
ब्रिज अप्रोच होता है, पुल पहुंच होता है, ब्रिज अप्रोच होता है। ये ब्रिज अप्रोच के किनारे क्या करते हैं हम, यहाँ पे विंग वॉल का निर्माण करते हैं। एक तरह से क्या करता है, मिट्टी को रोकने का भी काम करता है और पानी को बाहर ना आने के लिए, पानी जैसे यहाँ पे मिट्टी भरी रहेगी तो जब ये बिंगाल नहीं बनाए तो क्या होगा, पानी हमारे यहाँ तक आएगा, मिट्टी को इरोज करके लेके चला जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पे हम बिंगाल का निर्माण करते हैं। तो अगर विदाउट बिंगाल बना हुआ है, विदाउट बिंगाल बना हुआ है ब्रिज, तो वो हमारा क्या अबटमेंट विदाउट बिंगाल कहेगा। और अगर बिंगाल बना हुआ है साथ में, दोनों किनारे पर चार बिंगाल आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 बिंगाल आपको दिख रहे हैं, ठीक, तो इनको क्या एबटमेंट विथ बिंगाल कहते हैं। अब जो हमारे होते हैं ये एबटमेंट विदाउट बिंगाल, ठीक है, ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ठीक, कौन कौन से, सीधा अंत्याधार, वक्रित अंत्याधार और टी प्रकार का अंत्याधार, ठीक है। अब सीधा अंत्याधार क्या होता है, ठीक है, सीधा आपको दिख रहा है डायरेक्ट अंत्यधार। सीधा अंत्यधार क्या हो जाएगा कि सीधा अंत्यधार सदैव सीधा चतुर्भुजाकार होता है। जो ये जो होता है, ये जो अबटमेंट यहाँ पे बनाया जाएगा, अगर इसको हम मिटाते हैं, ये हमारा सीधा अंत्यधार कहलाता है, ठीक है, ये हमारा क्या सीधा अंत्यधार हो गया। अब अगर हमको टी अंत्यधार देखना है तो क्या करते हैं, ये हमारा टी अंत्यधार हो जाएगा, टी अंत्यधार हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कर्व अंत्यधार, तो ये क्या होता है हमारा, कुछ कर्व यहाँ पे ऐसे कर्व बना रहेगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कर्व अंत्यधार कहलाता है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे हमारा अंत्यधार जो होता है ऐसे बना होता है, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे, ऐसे क्या होता है हमारा बना होता है एबटमेंट। तो एबटमेंट ये हमारे अबाउट विदाउट बिंगवाल हो गए। अब अगर हम विथ बिंगवाल देखते हैं, ठीक है, विथ बिंगवाल क्या हो गए, विथ बिंगवाल के हमारे ऐसे ही कई तरह के होते हैं, मतलब कि सीधी पक्ष वित्ति, ठीक है, और वक्रित पक्ष वित्ति, मतलब कि जैसे बिंगवाल कितने प्रकार के होते हैं, बिंगवाल के बेसिस पे क्या क्या इनको दो तरह से डिवाइड किया गया, एक विदाउट बिंगवाल और एक विथ बिंगवाल। बिंगवाल हमारे अगर लगा हुआ तो उसमें कितने प्रकार के बिंगवाल लगे होते हैं, तो उसी प्रकार के हमारे ये भी हो जाएंगे, एबटमेंट भी इतने प्रकार के हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या बिंगवाल जानने की जरूरत है, ये इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे बिंगवाल के बारे में, एबटमेंट में इतना ही पढ़ना है आपको कि कौन कौन से होते हैं। अब इसमें भी क्या करते हैं, ये हमारे तीन प्रकार के हो गए, इसको लिख देते हैं सीधा और टी प्रकार का और वक्रित, ऐसे ही ये इसकी बात हो रही, ये इसकी अगर बात करते हैं सीधा वक्रित तिरछा और एक इसी में आ जाता है, और क्या एक आता है कि प्रतिवर्ती रिवर्सिंग, ठीक है, प्रतिवर्ती, ये हमारे चार प्रकार के बट विथ बिंगवाल हो गए। अब हम बात करते हैं बिंगवाल, बिंगवाल क्या होता है, बिंगवाल आयो क्या, अब तक तो आपको समझ में आ गया कि बिंगवाल क्या होता है, बिंगवाल के बारे में आपको समझ में आ गया, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको बिंगवाल क्या होता है। बार बार वही वर्ड बिंगवाल अबटमेंट पीयर, तो इतना आपके दिमाग में होता है ऐसे ही बैठ जाएगा, बिना अगर आपके सामने अगर आ गया ना तो आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, बिना अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहेंगे ना, ये वीडियो देख रहेंगे तो आप ऐसे ही लिख देंगे कि बिंगवाल हमारे इतने प्रकार के होते हैं, ऐसे इसका कार्य ये होता है, ठीक है, उस हिसाब से आप बिंगवाल के बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट रीडिंग क्या चाहते हैं, बिंगवाल पक्ष भित्ति क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखा जाए तो जल के प्रवाह से कटाव रोकने तथा मिट्टी को रोके रखने के लिए, जल के प्रवाह से कटाव रोकने तथा मिट्टी रोकने के लिए
अंत्याधार मतलब एबटमेंट, अंत्याधार के किनारे जो संरचना बनाई जाती है उससे विंग वॉल कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात करते हैं, तो विंग वॉल 4 प्रकार की होती है। एक स्ट्रेट विंग वॉल, दूसरा कर्व्ड विंग वॉल, तीसरा स्प्लिट विंग वॉल, और फोर्थ हमारा इसी में क्या आ जाता है, रिटर्निंग विंग वॉल या फिर रिटर्न विंग वॉल, रिटर्न विंग वॉल। ठीक है, अब ये स्ट्रेट मतलब सीधा विंग वॉल, कर्व मतलब वक्रित विंग वॉल, स्प्लिट मतलब तिरछी विंग वॉल, ठीक है, तिरछी विंग वॉल, और रिटर्न मतलब मुड़ी हुई विंग वॉल। अब इसका फिगर बना के अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेट विंग वॉल, अब यहाँ पे हम आपको टॉप व्यू से दिखाएंगे। अगर टॉप व्यू से देख रहे हैं हम किसी भी ब्रिज को, जैसे ये ऐसे मान लेते ब्रिज बना हुआ, तो टॉप से देखेंगे तो ये नदी इधर से जा रही है, ऐसे नीचे से इसकी नदी जा रही है, ये हमारा क्या ब्रिज बना हुआ, इधर से हमारा क्या विंग वॉल बन रहा है दोनों साइड, तो ये क्या होगा, ये हमारी क्या होगी, ब्रिज हो गई। ठीक है, ये हमारी इधर क्या होती है, ये विंग वॉल होती है। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये हमारी नदी बह रही है, एक मिनट, ये हमारी वाटर फ्लो रहा है, ये अप स्ट्रीम हो गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गया। ठीक है, हमेशा जो नदी होती है वो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाती है। तो विंग वॉल पहला क्या, सीधा विंग वॉल, ये क्या होगा, ऐसे ही संरचना दी जाएगी, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सीधी विंग वॉल कहलाती, क्या ये हमारी सीधी विंग वॉल कहलाती है। ठीक है, ये हमारी क्या सीधी विंग वॉल कहलाएगी, सॉरी ऐसे नहीं, ये क्या सीधी विंग वॉल हो गई, ये हमारी क्या हो गई सीधी विंग वॉल हो। अब अगर बात करते हैं कर्व्ड विंग वॉल की, तो कर्व विंग वॉल कैसे हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये कर्व्ड विंग वॉल की बात करते हैं, तो ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, ये क्या हो गई कर्व विंग वॉल हो गई, क्या हो गई कर्व विंग वॉल हो गई। इस तरह से हमारा क्या कर्व्ड विंग वॉल होता। अगर स्प्लिट विंग वॉल की बात करते हैं, तो स्प्लिट विंग वॉल क्या होता है ना, ये जो कर्व बना हुआ ना, कर्व ना बन करके ये हमारा ऐसे तिरछा बना रहेगा। ठीक है, ये हमारा कर्व्ड विंग वॉल हो गया। ठीक है, जैसे चार कान निकल गए उसके, कर्व्ड विंग वॉल हो गया। अब स्प्लिट विंग वॉल, सॉरी कर्व हो गया, स्प्लिट हो गया, तिरछी विंग वॉल। रिटर्न विंग वॉल की बात करते हैं, तो रिटर्न विंग वॉल क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं, ये ऐसे जाके, ठीक है, इधर पुनः ऐसे मुड़ी रहती है। ठीक है, रिटर्न हो रही, देख रहे हैं आप लोग, रिटर्न हो रही ऐसे। ठीक है, ये हमारी क्या कर हो गई, ये नदी बह रही है, इधर ये हमारा रोड है, ठीक है, ये ब्रिज है। अगर ये कर मतलब कि रिटर्न आ रही है, जा रही है फिर वापस आ रही है, तो हमारा कर्व्ड विंग वॉल कहलाता है। ठीक है, इन सभी का हम फिगर लेके आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे कौन कौन से कौन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे कर्व्ड विंग वॉल होगा। अब पक्षभित्ति क्या होगा, आपको समझ में आ गया कि जल के प्रवाह से कटाव को रोकने,
एक कटाव रोकने तथा मिट्टी रोकने के लिए, यहाँ पे जो मिट्टी फिलिंग है सॉयल फिलिंग है वो भी रोकेगा नदी में जाने के लिए, और इस अप स्ट्रीम की धारा से मतलब कि ये जो वाटर है वाटर से यहाँ जो मिट्टी भरी हुई इसके इरोजन को भी तो रोक रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं जो संरचना बनाते हैं उसे विंग वॉल या फिर पक्ष भित्ति कहते हैं। ये हो गई विंग वॉल की कहानी। ये विंग वॉल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा ये पूछे जाते हैं विंग वॉल के टाइप्स। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अब बात करते हैं किसी हम रिटेनिंग वॉल। जैसे विंग वॉल होता है वैसे हमारा सेम रिटेनिंग वॉल होता है। रिटेनिंग वॉल जैसे क्या किया, अगर पुल जो पहुंच है ये ब्रिज अप्रोच यहाँ से कहीं से शुरू हो रहा है, ठीक, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, यहीं से चढ़ाई हो रही है हमारी, ठीक है, इतनी चढ़ाई हमको करनी पड़ेगी तो यहाँ पर हमको मिट्टी भरने की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पर मिट्टी भरने के बाद मिट्टी को गिरने से ढहने से रोकने के लिए जो यहाँ पर संरचना बनाई जाती है इसी को हम बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं क्या, रिटेनिंग वॉल। रिटेन मतलब रोके रखना। तो जो मिट्टी को रोके रखने का कार्य करेगा वहाँ पे वो हमारा रिटेनिंग वॉल कहलाता है। ठीक है, अब रिटेनिंग वॉल भी कई प्रकार के होते हैं। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होता है, सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको रिटेनिंग वॉल के बारे में नहीं पढ़ना, जो भी पढ़ाना था वो हम प्रीवियस मतलब कि आपने रिटेनिंग वॉल के बारे में पहले पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी अगर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत अगर कुछ मिलता है रिटेनिंग वॉल के बारे में तो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यहीं पे आपका ये दो जो चैप्टर है ना ये आपका कवर होता है, कौन कौन सा, एक हमने आपको बताया कि ब्रिज फाउंडेशन, और सेकेंड जो हमने आपको बताया कि पियर एबटमेंट और क्या विंग वॉल। आई होप कि ये दोनों आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आते है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।